हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चैप्टर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समाकलन e की पावर x इंटू साइन x प्लस कोस x इंटू dx। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो e की पावर x को अंदर वाले से कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कोस x इंटू dx। इसके दो तरीके हैं करने के, पहले तो देखो मैं इसका अलग अलग समाकलन कर रहा हूँ, e की पावर x साइन x इंटू dx प्लस समाकलन e की पावर x कोस x इंटू dx। तो आइलेट नियम से क्या होगा, ये तो प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। यहाँ से देखो प्रथम फलन एज इट इज साइन x, इसका समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, और इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ क्योंकि इसका समाकलन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो e की पावर x cos x इंटू dx, यहाँ से देखो ये तो हो गया साइन x इंटू e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस समाकलन साइन x का अवकलन क्या होता है cos x इंटू e की पावर x। ये तो होगा इसका अवकलन, e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x, फिर इस पूरे का क्या है समाकलन प्लस समाकलन e की पावर x cos x इंटू dx। यहाँ से देखो e की पावर x cos x का समाकलन प्लस है, यहाँ पे क्या है e की पावर x cos x समाकलन माइनस, इसे कैंसिल, मेरा आंसर क्या गया sin x इंटू e की पावर x प्लस c, ये मेरा आंसर का। इसका दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका होता है एक फॉर्मूला होता है समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इजिकल टू क्या होता है इसका समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी e की पावर x इंटू में होगा एफ एक्स कोई फलन होगा प्लस उसका अवकलन। तो यहां से देखो e की पावर x ये क्या है एफ एक्स, और इसका साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। तो इसका इस फॉर्मूले से क्या होता है, देखो समाकलन e की पावर x साइन x प्लस cos x इसका समाकलन, तो इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो इसकी, तो एफ एक्स के स्थान पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया ई की पावर एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो इम्पोर्टेंट है, समाकलन x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन। तो यहाँ से देखो e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स, अब देखो आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू नीचे प्लस है तो मैं इसमें एक जोड़ दूंगा और एक अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से देखो समाकलन e की पावर x इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन। इसको देखो एक बार तो मैंने क्या किया एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया, एक बार माइनस इसको मैंने आंशिक गुणों में तोड़ दिया। अब देखो आगे e की पावर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो समाकलन e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में
वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इसका समाकलन माइनस समाकलन e की पावर उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो देखो यहाँ से इसकी पावर एक है, इसकी पावर दो, कैंसिल हो गया, क्या बचा समाकलन e की पावर x इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये हो गया e की पावर x इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये तो मेरा हो गया प्रथम फलन, ये हो गया द्वितीय फलन। तो देखो इसको सरल करो, पहले मैं इसको सरल कर रहा हूँ, पहले मैं इसको मैंने एक नंबर मान लिया, तो पहले मैं इसको सरल कर रहा हूँ। तो देखो क्या है e की पावर x इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। तो इसका समाकलन क्या होगा, देखो प्रथम फलन एज इट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू इसका समाकलन माइनस इसका अवकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स। इंटू द्वितीय का समाकलन फिर इस पूरे का समाकलन। तो यहां से देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई की पावर एक्स माइनस इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स, वो डी अपॉन डी एक्स इसको मैं वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस वन हो जाएगा। इसका अवकलन क्या होगा, देखो माइनस पहले वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन, इसका अवकलन क्या हो गया माइनस वन प्लस एक्स पावर माइनस टू। इसका अवकलन देखो क्या हो गया माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, फिर वन अपॉन इसको मैं अपॉन में लिखूंगा तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया इंटू ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ए की पावर एक्स और इस पूरे का समाकलन। ठीक है फिर आगे देखो ये तो गया इस ये तो सरल हो गया ना, तो इसके स्थान पे मैं ये रख सकता हूँ, तो इसमें रख दो देखो इस वैल्यू के स्थान पे ये वैल्यू रख दो। तो देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ए की पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो e की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा देखो e की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या था x e की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया इसको अलग अलग लिख लिया। अब क्या किया मैंने ऊपर ऊपर क्या था x था और नीचे क्या था वन प्लस एक्स, तो मैंने क्या किया ऊपर x में एक जोड़ दिया एक घटा दिया, फिर इसका इस हिसाब से क्वेश्चन बना, फिर इसको क्या किया अलग अलग e की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका अलग अलग समाकलन किया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।